बहुत मजा आया, तुम बहुत हैवी बैटिंग किए हो एकदम से, क्या बताएं, 9 छक्का मारे नहीं 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 11 छक्का बिट्टू मारा, बहुत जबरदस्त, और चिप शॉट वगैरह बहुत तगड़ा, जो आप देखिएगा इनके ब्लॉग में। आते ही उड़ाया ये बिट्टा, ये मेरा अड्डा, टू मैक्सी बहुत अच्छा बैटिंग किया, कुल मिला के 11 छक्के लगाए इन्होंने, बहुत अच्छा बैटिंग, और इनको सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब पे इनका चैनल है बिट्टू मैक्सी। बड़ा बच के रहे आज, एक बार फिर उससे भी बेहतर 24 कैरेट खरा सोना है ये खिलाड़ी। बहुत अच्छा लगता है आप जब भी खेलने के लिए आते हैं, और हम यहाँ करीब 5-6 सालों से टूर्नामेंट साल में एक बार दो बार कराते हैं, और हम देखते हैं किसी न किसी टीम से आप खेलने के लिए आते हैं और सभी दर्शकों का दिल जीत लेते हैं, इतना अच्छा सा शॉट लगाते हैं। हमारी दुआ और हमारे दर्शकों की भी यही मांग है बिट्टू बहुत आगे जाए और अच्छा खेले। और बिट्टू तुम बढ़िया खेलो दोस्त, और इसी तरह मारो, खुद तक तरह मारो, जो भी विपक्षी खिलाड़ी आए सबको मारो। Hey guys, good morning, welcome back to my new blog. Guys, अभी टाइम 11 बज रहा है और शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, और मैं बता दूं कि आज मेरा मैच है अंबा। अंबा कहाँ पड़ता है तो साकुंड, सुल्तानगंज होते हुए हम लोग साकुंड जाते हैं, और अंबा का एक ग्राउंड है वहीं पे हम लोग का मैच है। और गाइज आप पीछे देख सकते हैं कि बैट यहाँ पे रखा हुआ है, A+ का बैट है, CL का बैट है, मेरा बाहुबली खुद मेरा बैट है। और बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि भैया आप कौन सा बैट से खेलते हैं, तो उसका मैं बैट का रिव्यू बहुत जल्द करूंगा, लेकिन अगर किसी को भी बैट चाहिए तो मतलब मेरे पास है, मतलब खेला हुआ बैट भी है, और आप देख सकते हैं कि नया नया बैट मेरे पास है जो कि स्पेशल है, मैं 5-6 पीस लाया हूँ। अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको बैट मिल जाएगा, कोई भी बैट हो, A+ बैट हो, CL बैट हो, बाहुबली बैट हो, तो कोई भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं रेडी हूँ तो अभी निकलता हूँ अंबा ग्राउंड मैच के लिए। और आज मेरे साथ कौन जा रहे हैं, मेरे भाई ड्राइवर। हाँ, मतलब देख सकते हैं कि मैं घर आया था, अभी मालदा से घर आया हूँ, और आज अंबा में मैच था तो सोनू भाई बोले चलेंगे, क्योंकि नया न्यू ईयर पे भैया घूमने आए थे घर, और अभी बाइक है अपना तभी निकलते हैं हम लोग सब। फाइनली गाइज मैं ग्राउंड आ चुका हूँ, और अभी टॉस हो चुका है, और टॉस शायद अगेंस्ट टीम ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और मैं बता दूँ कि अभी मैं इस ग्राउंड में हूँ, अंबा का ग्राउंड है, यही ग्राउंड है, आप पीछे देख सकते हैं स्टेडियम टाइप का सीढ़ी है, और अभी तक धूप नहीं निकला है, मतलब अभी भी कुहासा टाइप से है। और अभी टाइम गाइज 2 बज चुका है, मैच था ऐसे 12 बजे से, लेकिन 2 घंटा यहाँ वेट करना पड़ा तो थोड़ा सुस्ती बना गया है। खैर ये सब छोड़िए, अभी हम लोग सजाते हैं फील्डिंग। और ये क्या बहुत सुंदर कैच, काफी बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छे, इसी के साथ ही एक पहला झटका झटका, और ये फिर से का गोल है, आला के नीचे खिलाड़ी नीचे आते हैं, और ये गाइज बॉलिंग तो हो चुका है ख़त्म, और अगेंस्ट टीम ने टोटल 12 ओवर में 92 रन लगाए हैं और 93 में जीता है, तो बहुत आसान सा लक्ष्य, देखते हैं क्या होता है, हम लोग चेस कर पाते हैं या नहीं, और कोशिश करेंगे कि मैं आज ओपन जाऊं, क्योंकि 92 का टारगेट है, और देखते हैं आगे। बिट्टू मैक्सी
आते ही उड़ाया बिट्टा ये मेरा अड्डा, बिट्टा ये मेरा अड्डा। मगर मगर काश में हूँ मैं, खुद अपनी तलाश में हूँ, अपने आप को खोजने में लगे हुआ है ये खिलाड़ी, ये महान बल्लेबाज। ओ ये तो स्टंप्स के पीछे खड़ा है। ओरे वाह, ये शॉट मार के बताया कि ये खिलाड़ी बहुत बड़ा है। वो जो शॉट खेलते हो तुम, जो वापस लाते हो वो कहाँ से? उसको मैं स्नैक शॉट बोलता हूँ, जब स्नैक बंदे को काटते ना तो वापस हो जाता, तो मेरा डंक मार रहे हो। फाइनली गाइस हम लोग ये मैच जीत गए, और जैसा कि आपने बैटिंग देखा, और यहाँ मिले टाटो दा। क्या टाटो दा, मजा आया? बहुत मजा आया, तुम बहुत हैवी बैटिंग किए हो एकदम से, क्या बताएं, 9 छक्का मारे ना 9 छक्का नहीं 11 छक्का सॉरी 11 छक्का बिट्टू मारा, बहुत जबरदस्त, और चिप शॉट वगैरह बहुत तगड़ा, जो आप देखिएगा इनके ब्लॉग में, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप यहाँ मिल सकते हैं कालीचरण भैया। क्या भैया, इनाम तो बहुत रखे थे। बहुत अच्छा बिट्टू, हम तुमको इनाम 2000 रुपये दिए, और बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह जैसे बिट्टू को सपोर्ट करते हैं इसी तरह सपोर्ट कीजिए बिट्टू का, और आगे चल के आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, मेरा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के लिए। और बिट्टू तुम बढ़िया खेलो दोस्त, और इसी तरह मारो, खुद तक तरह मारो, जो भी विपक्षी खिलाड़ी आए सबको मारो। और गाइस आपको मैं मिलाता हूँ हमारी टीम के कैप्टन लाखो दा। कैसे हैं दादा? बहुत बढ़िया। और कैसा लगा मैच? बहुत बढ़िया मैच लगा देखने में, और आपका बैटिंग की हम तारीफ करते हैं। थैंक यू। फिर नेक्स्ट फिर बुलाएंगे अभी। तो गाइज आज क्वार्टर फाइनल मैच था, हम लोग ने जीता है, और डायरेक्ट सेमीफाइनल में जगह बनाया है। और सेमीफाइनल का कब मैच होता है अभी तो पता नहीं, दिया जाएगा। ओके थैंक यू भैया। तो गाइज सेमीफाइनल जब भी यहाँ पे होता है तो उसका भी ब्लॉग बहुत जल्द आपके पास आएगा। और यहाँ मिल सकते हैं आप सोनू भैया, जो कि सुल्तानगंज टीम के कैप्टन है, और सोनू भैया मुझे बुलाए थे खेलने के लिए, कैप्टन ही हुए ना, क्योंकि देखिए सबसे सीनियर तो आप ही हैं भैया। और आज मैच के बारे में कुछ बताइए। मैच में बिट्टू मैक्सी बहुत अच्छा बैटिंग किया, कुल मिला के 11 छक्के लगाए इन्होंने, बहुत अच्छा बैटिंग, और इनको सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब पे इनका चैनल है बिट्टू मैक्सी, और इनको सपोर्ट करते रहिए, और इनका सब्सक्राइबर 20,000 है फिलहाल अभी, इसका कम से कम 30,000 या 40,000 पुराइए आप लोग। मैंने एक तो करना है, एक तो अभी जाना है। ओके भैया, थैंक यू भैया। तो गाइज ये थे सोनू भैया, हमारी टीम के कैप्टन, और मतलब कैप्टन तो आज के नहीं, लेकिन हाँ कैप्टन तो यही है क्योंकि सीनियर है। महाबली दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। खलबली ही खलबली, देखो है हो चली धरती सागर तारे। ये है निवास भैया, जो कि यहाँ पे टूर्नामेंट करवा रहे हैं। क्या निवास भैया, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लगता है, आप जब भी खेलने के लिए आते हैं, और हम यहाँ करीब 5-6 सालों से टूर्नामेंट साल में एक बार दो बार कराते हैं, और हम देखते हैं किसी न किसी टीम से आप खेलने के लिए आते हैं, और सभी दर्शकों का दिल जीत लेते हैं, इतना अच्छा सा शॉट लगाते हैं। हमारी दुआ और हमारे दर्शकों की भी यही मांग है, बिट्टू बहुत आगे जाए और अच्छा खेले। चलिए धन्यवाद आपको। चलिए थैंक यू। और मैं बता दूं गाइस कि यहाँ पे अच्छा टूर्नामेंट ये करवाते हैं, और सही बात है कि कोई ना कोई टीम से मैं जरूर आ जाता हूँ खेलने के लिए, तो आज मैं सुल्तानगंज की टीम से खेलने आया था। चलिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट, इसी तरह कराते रहिए।
ओके गाइज, तो अभी हम लोग निकलते हैं। क्या टेलर भैया, कैसे हैं आप? ठीक है। और आप बहुत क्रिकेट से क्यों दूर, क्या है हल्का? फिलहाल बाहर थे, अभी आ गए हैं।